कराची में बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल होने पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बिजली का सताया शहरी कचरा लेकर के इलेक्ट्रिक ऑफिस पहुंच गया। कहा जो कचरे का बिल ले रहा है कचरा भी वही उठाए। इसी पर मजीद बात करेंगे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास बताइएगा। देखें कराची जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से इलेक्ट्रिक के बिलों में अगस्त के बिलों में जो है वो नया टैक्स नाफिज किया गया है जिसका इतलाफ जो अगस्त के बिलों पर कर दिया गया है। पर एक अनोखा वाकया पेश आया जिसके अंदर मैं देखा कि एक सारिफ जो है वो इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर ना सिर्फ अपना बिल लेकर आया जिसके अंदर 400 रुपए का इजाफी टैक्स आयद किया गया था, तो उसने अपना कचरा जो साथ लेकर आया था उसे इलेक्ट्रिक के दरवाजे के आगे ही डाल दिया। जब उससे पूछा गया कि यहाँ पर कचरा क्यों डाल रहे, तो उसने कहा कि जब ये लोग हमसे बिल के अंदर चार्जेस वसूल कर रहे हैं तो कचरा भी यही लोग उठाने आएंगे, हम घर पे अपने स्वीपर को क्यों अलग से अदायगी करें। तो शहरी इस बात पर हम देख रहे हैं कि काफी नाला दिखाई दे रहे हैं। ये सूरत हाल में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी सामने आ रही है कि लोग परेशानी के शिकार दिखाई दे रहे हैं। पहले ही बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे में नया टैक्स भी उनके ऊपर नाफिज कर दिया गया है। तो शहरी एक बार फिर मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या तो टैक्स वापस लिया जाए या फिर इनके जो पैसा वसूल किया जा रहा है उसका जो कचरा भी क्या इलेक्ट्रिक हम लोग को पाबंद किया जाए कि गेहूं से कचरा भी आकर ले। साथ ही ये भी मुतालबा कर रहे हैं शहरी के जो शहर की सूरत हाल है तरक्याती काम खुदा के लिए यहाँ पर करवाए, जो सड़कों की सूरत हाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है उस पर तवज्जो दी जाए, चूंकि जो टैक्स जाता है वो सिर्फ टैक्स ही चला जाता है, आवाम के फलाह बहबूद के लिए कम इस्तेमाल में आता है वो। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर टैक्स खत्म किया जाए, टैक्स वसूल किया जा रहा है तो कचरा भी इलेक्ट्रिक वाले ही आके वसूल करें। सफदर अब्बास बहुत शुक्रिया।